माफी मांगो, एआरसी लेकर कितना लोग मरा था, माफी मांगो। पवित्र धरती मेरे को गंगा माई है, जो गंगा माई को हम लोग पूजा करते हैं। मेरे को पता चला जब मालदा में मेरे बंगाल में उत्तर प्रदेश को डेड बॉडी मिला, लाश मिला, कोविड का बाद सौ लाश गंगा माँ को फेंक दिया, नंबर में लाइक रहेगा। मैंने वो लाश उठाया और उसको उठा के शांति से उसको जिसको समाधि है, जिसको श्रद्धा में लिया है, जिसको क्रीमेशन है, जो भी झड़झड़ा उनका माफी करना है, मैंने सब कर दिया। लेकिन तब कहां थे आप लोग जब कोविड में लोग मरते थे? तब जोगी जी आप कहां में थे? अब बंगाल में ममता बनर्जी को हराने दिया था, कोविड को हराने नहीं आया युद्ध में आप। वो बात को भी आप मत भूलो, माफी मांगो। कितना आदमी को आप बंगाल में फंसा दिया, सुना दिया, उसको परिवार को देखने का मौका भी नहीं दिया। आज वो लोगों को अब तक खड़ा है, वो लोग पूछ रहा है क्या जोगी जी वोट चाहिए ना, हमारा आप माँ का दुख जो हुआ है उसको आप पहले निभाओ, हमको आग जल रहा है, आप पानी में भी आग जला दिया। मैनिफेस्टो को बोलने के लिए नहीं है, आज पांच साल आप लोगों ने क्या किया? सबसे रुपया तो यूट्यूब का मिला, सबसे ज्यादा रुपया भारत सरकार सब काम में नरेंद्र मोदी कहता है हमने किया, हमने किया, कहां से किया? हमारा क्या हमारा पॉकेट से ले आता है मनी? जनता का रुपया आप स्टेट से ले जाते हैं, इनकम टैक्स का नाम पे, जीएसटी का नाम पे, कस्टम्स का नाम पे, ये सब टैक्स लेके आप जमा करते हैं और इससे 40% स्टेट को देते हैं, 60% आप खर्चा करते हैं। स्टेट का मनी है, जनता का मनी है। आज आप कह रहे हैं कभी तो इंजेक्शन मैंने फ्री में दे दिया, वो क्या आपका रुपया है? वो जनता का रुपया है। अब जनता से रुपया लिया और कौन दिया, कैसे दिया, कितना दिया? आप तो कहते हैं योगी जी 4 लाख करोड़ हम इन्वेस्ट किया है यूपी में, कहा गया रुपया? क्या पीएम केयर भी भेजा? उसको तो ऑडिट नहीं होगा, इसी के लिए आप कह दे सकते हैं। आप पूछिए ना क्या दिया और रुपया दिया कहा? अगर इन्वेस्ट हुआ तो हम पूछे, मोहम्मद को पूछे, मैंने उसका मोहम्मद को पूछे, लेकिन बोलिए और रुपया कहा गया कहा? क्या पीएम केयर भी भेजा? उसमें तो ऑडिट भी नहीं होगा, कैब भी नहीं जाएगा। हमारा चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड कोई दुखी स्टूडेंट को देते, कोई माँ बहन को देते तो आप सीबीआई भेज देते, और पीएम केयर में लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपया आप गवर्नमेंट का अधिकारी से लिया, आप पब्लिक सेक्टर से लिया, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय से लिया, आप सीएसआर का नाम पे लिया, लेकिन वो रुपया का कोई ऑडिट नहीं होगा, किसी को पता नहीं है इतना रुपया कहां से आया, कहां से गया और कहां से चला गया, कहां से आदमी भूखा रहा, धनवान का बेटा खजाना भरते हैं और मजदूर रोड़ों पर तकदीर का शहीद होते हैं। आपको पता नहीं है कोविड का टाइम में क्या?